नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर सुशील दुबे ईऑन रूब्रिक मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज संडे का सेशन हम कल जो क्वेश्चंस छूट गए थे उनके आंसर्स के साथ शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लैंडर डिस्पोजिशन, ह्यूमिलिएशन एंड स्कॉर्न। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्लैंडर का मतलब होता है किसी की झूठी निंदा करना या किसी की झूठी अफवाह फैलाकर उसकी मानहानि करना, उसकी बदनामी करना। तो स्लैंडर में जो कुछ भी कहा गया है किसी के बारे में, किसी को बेइज्जत करने के लिए, किसी का मानहानि करने के लिए या किसी की इज्जत कम करने के लिए, किसी के रेपुटेशन को ठेस पहुंचाने के लिए, वो सब कुछ झूठ है। उसमें कोई भी सी चीज़ सच नहीं है। तो स्लैंडर का मतलब होता है झूठी अफवाहें फैलाकर या झूठी बातें बनाकर किसी की बदनामी करना। जैसा कि हम सब ने ओम बाबा वाले केस में देखा था कि उसमें वो सलमान खान के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, केजरीवाल के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। अब क्या ये हो सकता है कि उन्होंने थप्पड़ मारा हो सलमान खान को, लेकिन हर जगह वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने सलमान खान को थप्पड़ मारा, मैंने अरविंद केजरीवाल को उनके घर में घुसकर मारा। तो इस तरह की बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है, ये झूठ हैं और केवल सलमान खान और उनको बदनाम करने के लिए की गई हैं। इसमें हमें साफ नज़र आता है कि स्वामी ओम झूठ बोल रहे हैं और ये इस तरह से केवल बदनामी कर रहे हैं सलमान खान की और केजरीवाल की, और इसमें कहीं कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। ये केवल और केवल अफवाह फैला रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की है। तो ये जो उनकी जो ये हरकत है वो है स्लैंडर डिस्पोजिशन, यानी किसी के बारे में झूठ फैलाकर उसकी बदनामी करना, उसको कम दिखाना, उसके रेपुटेशन को ठेस पहुँचाना। अब ह्यूमिलिएशन क्या है? ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमानित महसूस करना, बेइज्जत महसूस करना, ऐसा महसूस करना कि अब मेरी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं बची, ये है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन में हमारा जो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हम अपने आप में उस सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। एक स्टेट ऑफ हम्बल्डनेस होता है, सबमिशन का भाव होता है कि जैसे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने तोड़ दिया। ये एक तरह का लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब स्लैंडर और ह्यूमिलिएशन में फ़र्क क्या है? स्लैंडर कोई और करता है और ह्यूमिलिएशन हम फील करते हैं। यानी स्लैंडर एक ऐसा एक्ट है जहाँ पर झूठ फैलाकर बदनामी की जा रही है, और ह्यूमिलिएशन उस बदनामी को अगर मैं फील कर रहा हूँ तो वो ह्यूमिलिएशन है। तो स्लैंडर हम किसी और को करते हैं और ह्यूमिलिएशन हम खुद फील करते हैं। तो दोनों में ये बहुत ही मामूली सा फ़र्क है कि स्लैंडर किसी और को किया जाता है, जैसे कोई झूठ बोल रहा है और झूठ बोलकर मेरी इज्जत हवा में उछाल रहा है तो वो स्लैंडर कर रहा है। लेकिन अगर इस चीज़ से मुझे ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है तो ये मैं फील कर रहा हूँ, ये स्लैंडर करने वाला नहीं फील कर रहा है। नेक्स्ट है स्कॉर्न। तो अब स्कॉर्न का मीनिंग क्या है? स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कृत करना, इतना ज़्यादा तिरस्कार करना कि उसको अपने आप से घृणा आए, या जैसे घिन आना, उन अपने आप में इस तरह की फीलिंग रखना कि जैसे मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं जैसे मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो स्कॉर्न में इस तरह की फीलिंग आती है जैसे कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं किसी रिस्पेक्ट के लायक नहीं हूँ। जब किसी को लगातार रोज़ निरंतर उसको अगर ह्यूमिलिएट किया जाए, रोज़ उसको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाए, तब उसके अंदर ये स्कॉर्न फीलिंग आती है। ह्यूमिलिएशन एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक
और जब वो क्रॉनिकली हो जाता है तो वो स्कॉर्न्ड में तब्दील हो जाता है। जैसे एक पेशेंट ने मुझे बताया था जिसके लिए हमने स्कॉर्न्ड फीलिंग का यूज़ किया था, उसने ये एक सेंटेंस यूज़ किया था, उन लोगों ने तो मुझे एकदम नौकर जैसा ट्रीट किया, मुझे एकदम कुत्तों की तरह रखते थे, उस तरह से मुझे ट्रीट करते थे, खाने को भी नहीं देते थे, मेरी बात बात पर मेरी इंसल्ट करते थे, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते थे। तो ये जब रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा ह्यूमिलिएशन हो, थोड़ा थोड़ा ह्यूमिलिएशन हो और क्रॉनिकली होता जाए, रोज़ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रोज़ हो रहा है, रोज़ वो उसको सफ़र कर रहा है उस टॉर्चर को, और अपने आप में ये फीलिंग आने लगती है कि यार मेरी लाइफ तो कुत्तों से भी गई गुजरी है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं तो कुछ हुई ही नहीं, मैं शायद रिस्पेक्ट के ही काबिल नहीं हूँ, दिस इज़ स्कॉर्न्ड फीलिंग। जैसे इसके लिए हिंदी में शब्द है कि ऐसा खुद में फील करना जैसे खुद से ही खुद को घिन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेमेंटिंग एंड ग्रम्बलिंग। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेमेंटिंग के बारे में, लेमेंटिंग का मतलब होता है इस टोन में बात करना या इस तरह से रुआंसे होकर बात करना जिसमें उसका ग्रीफ नज़र आएगा, इस तरह से जिसमें उसका 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 सौरो नज़र आएगा। लेमेंटिंग एक तरह से ग्रीफ और सैडनेस का एक्सप्रेशन है। इसके अंदर वो उसका जो बात करने का अंदाज़ होगा, जो बोलने का जो टोन होगा, उससे आपको उसके ऊपर ऐसा लगेगा अरे बाप रे ये बेचारा है, इसको तो कुछ, ये कितना दुखी है। तो सामने जो हमें सामने वाले को देखकर ये फीलिंग आएगी कितना दुखी है। लेमेंटिंग का मतलब होता है विलाप करना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई छोटा बच्चा हो और वो अपने पापा से या अपनी मम्मी से आके कहे मम्मा देखो मुझे लग गया, मम्मा देखो ना मेरे को चोट लग गई, मम्मा देखो ना मुझे इसको ठीक कर दो ना मम्मा मुझे। अब ये लेमेंटिंग है, यहाँ पर उसके टोन में आपको दुख नज़र आएगा, आपको फीलिंग आएगी अरे बाप रे बेचारा है, इसको ज़रा हम ज़रा केयर कर लें, ज़रा संभाल दें इसको। ये है विलाप करना। ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना या भुनभुनाना। तो जब कोई ग्रम्बल करता है या बड़बड़ाता है या भुनभुनाता है तो वहाँ पर ग्रीफ से ज़्यादा वहाँ गुस्सा होता है, किसी के लिए क्रोध होता है जो हम उसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हम पीठ पीछे या उसके न रहने पर या इतनी धीमी आवाज़ में बोलेंगे, हम बड़बड़ाएंगे कि उसको ना पता चले। ये होता है बड़बड़ाना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहेगा सपोज़ एक पेशेंट ले लें, तो उसका अगर उसमें ग्रम्बलिंग होगा तो वो कैसे बात करेगा, वो कहेगा जब देखो तभी लोग मुझे ही बोलते रहते हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, ये सब ऐसे ही हैं, सब मेरे पीछे पड़े हुए, इन लोगों को मैं देख लूँगा, ये कर दूँगा वो कर दूँगा, नहीं सब मेरे पीछे पड़े मेरे को। अब ये है ग्रम्बलिंग, यहाँ पर वो लेमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पर इसको सुनकर आपको उसके ऊपर आपको उसके ऊपर सिंपथी या दया या इस तरह का कोई भाव नहीं आएगा, और लेमेंटिंग में आपको उसका दुख नज़र आएगा, लेमेंटिंग वाले उसके एक्सप्रेशन में। तो लेमेंटिंग में आपको दुख नज़र आएगा और ग्रम्बलिंग में आपको उसका गुस्सा नज़र आएगा। तो लेमेंटिंग और ग्रम्बलिंग में ये डिफरेंस है कि लेमेंटिंग में ग्रीफ है और ग्रम्बलिंग में गुस्सा है। लेमेंटिंग का मतलब होता है विलाप करना, रोना धोना करना, और ग्रम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, भुनभुनाना। अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।